तो गाइस यार इंडियन बैग्स ड्राइविंग 3D गेम के अंदर आ चुका है स्पाइडरमैन का अपडेट। और स्पाइडरमैन को कैसे लेना है, इसका क्या चीट कोड है, ये भी मैं आप लोग आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये स्पाइडरमैन के क्या क्या सारे नए कोड्स हैं वो भी बताऊंगा। और तो और यार हमारे गेम के अंदर मेगा रैम्प ऐड हो चुका है किंग कॉन्ग वाला। और यार नई व्हीकल्स और नई चीजों के चीट कोड्स भी बताऊंगा आज के वीडियो में। इंडियन बैग्स ड्राइविंग 3D में फाइनली एक बड़ा अपडेट आ चुका है गाइस। और यार आप लोगों ने देखा होगा आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स इस पे वीडियो बना रहे हैं कि भाई बहुत सारी नई नई चीज़ें ऐड हुई हैं, उन सारी चीज़ों के मैं आप लोगों को आज चीट कोड भी बताऊंगा और RGS टूल में क्या क्या नए नए कोड्स हैं वो भी बताऊंगा। तो आज वीडियो में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि क्या क्या अपडेट आए और उनके क्या क्या चीट कोड हैं। तो भाई सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बड़ा अपडेट जो है ना वो बता देता हूँ जो कि आया है हमारे पुलिस स्टेशन के अंदर, जो कि हमारे घर के बिल्कुल सामने ही है जैसे कि आप लोगों को पता ही है। और गाइस यार ये जो हमारा पुलिस स्टेशन है ये आप लोगों को पता ही है पिछले अपडेट में ऐड हुआ था, बट इस अपडेट में जो है ना इसका एक नया अपडेट ऐड हो चुका है। आप लोगों को अभी तक कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि ये अपडेट क्या है, तो जल्दी से हम पहुँचते हैं भाई पुलिस स्टेशन और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि भाई क्या अपडेट ऐड हुआ है। तो ये आ गया भाई हमारा पुलिस स्टेशन गाइस, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये रहा भाई पुलिस स्टेशन। तो इसमें जो बड़ा अपडेट ऐड हुआ है वो है भाई के हमारे गेम के अंदर पुलिस मैन्स ऐड हो चुके हैं भाई। अभी तक हमारा पुलिस स्टेशन बिल्कुल खाली होता था, बट अभी जो है ना ये पुलिस मैन ऐड हो चुके हैं। और यार यहाँ पे जो है ना अंदर लोग भी बैठे होते हैं वेटिंग एरिया में, ये आप लोग देख सकते हो ये पुलिस मैन ऐड हो चुके हैं। और यार ये तीनों बैठे हुए हैं और ये वेटिंग में लोग भी बैठे हुए हैं जिनको कोई काम नहीं है, ज़बरदस्ती आके बैठे हैं। और यार जेल के अंदर एक कैदी भी है भाई, आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। और यार मैं आप लोग जो है अगर ऊपर लेके जाऊँ तो ऊपर क्या है वो भी दिखा देता हूँ। और गाइस यार ऊपर वाले फ्लोर में हम आ चुके हैं और ऊपर वाले फ्लोर में अभी तक हमें कोई इतना चेंज नहीं दिखा है। और ऐसा हो भी सकता है कि नेक्स्ट अपडेट में जो है ना ऊपर वाले फ्लोर पे कुछ नई चीज़ें ऐड हो, क्या पता कोई हेलीकॉप्टर वगैरह ही रख दिया जाए पुलिस का, तो ऐसा हो सकता है। अगर आप लोगों को ऐसा अपडेट चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता देना ताकि मैं डेवलपर से बात करूं। और गाइस सेकंड जो चीज़ हमारे गेम के अंदर नई ऐड हुई है वो क्या है यार, न्यू थार। तो न्यू थार पहले तो आप लोग को पता है कि भाई हमारी जो थार होती थी वो 9090, एक मिनट गाइस मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, ये जो है ना गाइस हमारी पहले थार होती थी, ये फुल जो है ना मॉडिफाइड और ऊपर से बनी हुई होती थी। बट अभी जो हमारी नई थार ऐड हुई है गाइस वो कुछ इस टाइप की है, उसका चीट कोड है 9191, आप लोग भी डायल कर सकते हो। तो 9191 डायल करते ही हमारी न्यू थार आ जाती है जो कि बिल्कुल जो है ना बेस्ट लुक से आई है, बिल्कुल नया लुक है इसका। और इसके आगे की जो मतलब आप लोग ये देख पा रहे हो ये भी बिल्कुल जो है ना नए लगे हुए हैं ये इसकी ग्रिल्स वगैरह। और यार पीछे से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक लगता है और इसमें 4x4 भी लिखा हुआ है साइड में। तो ये जो है ना एक हमारी नई थार ऐड हुई है। और नेक्स्ट अपडेट है यार हमारी एक सुपर बाइक का, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि यामाहा R15 हमारे गेम में थी, बट अभी वो रिप्लेस होके जो है ना नई आ चुकी है 0015 से, हम उसको जो है ना मंगवा लेते हैं। और गाइस ये देखो ये रिप्लेस हो चुकी है, फुल नई आई है नए लुक के साथ। पहले जो गेम खेलते थे आप लोग, जिनको ज़्यादा पता होगा गेम के बारे में उनको पता होगा कि ये पहले ऐसी वाली नहीं होती थी। और गाइस इसके अलावा हमारे गेम के अंदर जो नई चीज़ ऐड हुई है वो है भाई एक डॉग। अब डॉग तो आप लोग सोच रहे हो कि यार डॉग तो पहले से था, लेकिन डॉग तो था बट अब आप डॉग पे बैठ के राइड भी कर सकते हो। 600 डॉग का चीट कोड है, जैसे ही हम डायल करेंगे यहाँ पे डॉग आ जाएगा और इसके जैसे ही हम करीब जाएंगे भाई हम इसको मार भी सकते हैं और इसमें हम बैठ भी सकते हैं। यार ये देखो ये हम डॉग पे राइड कर रहे हैं, इससे हम जो है ना किसी को मार भी सकते हैं। सो गाइस चलो डॉग को जो है ना चलाते हैं और फिर मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि हम कैसे मार सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देखो ये जो है ना हम एक पुलिस वाले के पास आ गए हैं और इसको मार के देखते हैं भाई यहाँ पे। ओके भाई ये इसको मार रहा है कि नहीं हम लोग देख लेते हैं, और इसको नहीं मार रहा भाई, जो अंदर बैठे हुए ना उनको मारेगा ये। तो अंदर इसको लेके चलते हैं और ये देखो भाई कहाँ घुस रहा है भाई। ओके गाइस तो अभी फ़िलहाल हम लोग जो है ना इसको पुलिस स्टेशन के अंदर लेके चलते हैं और ये आ गए भाई हम इधर, और इसको जो है ना हम इधर लेके आ जाते हैं। ओके अब मारते हैं इसको। ओके भाई भाई मार रहा है यार, आप लोग देख सकते हो व्हाट द हेल यार, पुलिस वाले को इसने मार दिया हमारे डॉग ने। हमारे डॉग बहुत ज़्यादा खतरनाक है गाइस, तो इससे जो है ना बच के रहना पड़ेगा। और यहाँ पे जो बंदा बैठा हुआ है इसको भी मार के देख लेते हैं भाई इससे। वेट गाइस यहाँ पे जो है ना हम इसको भी मार के देख लेते हैं। ओ भाई हम इससे उतर गए भाई। सो गाइस अभी फ़िलहाल जो है ना हम चलते हैं, मैं आप लोग को लेके चलता हूँ एक दूसरे अपडेट दिखाने। तो आप लोग को पता ही है भाई कि हमारे गेम के अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो ऐड होने वाली थी वो थी भाई दो बड़े बड़े डायनासोर। अभी तक आप लोगों को पता है कि एक छोटा डायनासोर होता था
जो कि था हमारा वेलोसिरेप्टर। बट अभी हमारा एक टीरेक्स डायनासोर आ चुका है जिस जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है यार, और इसका चीट कोड है 5151। जैसे ही आप लोग डायल करोगे ये बड़ा वाला डायनासोर आप लोगों के सामने आ जाएगा। और इसके अलावा एक और स्पाइनोसॉरस भी ऐड हुआ है जिसका चीट कोड है गाइस 5252। डायल करते ही हमारे स्पाइनोसॉरस आ जाएगा, और 52 एक और बार डायल कर देते हैं ताकि भाई बहुत सारे डायनासोर हो जाएँ। ओके गाइस यार 52 डायल कर देते हैं यहाँ पे। ओके गाइस यार यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने इतने सारे ये स्पाइनोसॉरस स्पॉन कर दिए। तो गाइस अब हम लोग क्या करेंगे पता है आप लोगों को, मैं बताता हूँ। अभी फ़िलहाल हम लोग कोई एनपीसी ढूंढ लेते हैं, अगर हमें इसको अटैक करवाना है ना तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे गाइस हम लोग लिखेंगे अटैक। RGS टूल में आना है और आप लोगों को यहाँ पे लिखना है अटैक। अब जिस भी एनिमी को आप लोग मारोगे ना तो उसको ये डायनासोर भी जाके मारेंगे। तो गाइस यहाँ पे जो है ना अटैक का चीट कोड हमने ऑन कर दिया है, और देखो भाई सारे डायनासोर वहाँ पे भाग चुके हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग किसी NPC को मारेंगे ना तो इनको बुला लेंगे। ओके गाइस यार यहाँ पे आप लोग देखो मैं जो है ना इस NPC को मार रहा हूँ, और ओके गाइस यार अभी ये डायनासोर आई होप यहाँ पे भी आ जाएंगे। और गाइस ये देखो अभी ये थोड़े दूर चले गए, तो हम जो है ना यहाँ से इसको एक मिनट वापस मारते हैं गाइस। ओके यहाँ पे हम इस NPC को मार के देखते हैं ताकि हमारा डायनासोर इसको मारे। ओके गाइस यहाँ पे जो है ना मैंने इसको मारा है, और ये देखो गाइस ये डायनासोर हमारा आ चुका है पीछे से इसको मारने के लिए। और गाइस यहाँ पे हम इसको एक मिनट गाइस ऐसे मार के देखते हैं ताकि ये मरे, तो फिर इसको जो है ना ओके गाइस यहाँ पे जो है ना हम इस लड़की को मार रहे हैं ताकि जो है ना डायनासोर इसको आके मारे। तो ये जो है ना आप लोग अटैक लिखे, ये देखो ये डायनासोर आ चुका है, ये इसको मार रहा है गाइस। ये देखो पूरे लड़की को मार रहा है इतनी ज़ोर से गाइस, मार दिया इसने। और गाइस इसने मार दिया है लड़की को। अब हम लोग चलते गाइस दूसरा अपडेट देखने, जो कि गाइस है हमारे सी का। गाइस जो हमारे गेम के अंदर जो समंदर है ना उसका एक नया अपडेट आया है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओके गाइस सबसे पहले मैंने अपनी थार मंगवा ली है, इसमें बैठ के जो है ना हम चलते हैं समंदर की तरफ। और गाइस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या अपडेट हमारा नया ऐड हुआ है। ओके गाइस यहाँ पे जो है ना हम लोग डायनासोर को मार सकते हैं कि नहीं, ओ भाई साहब नहीं मार सकते। सो गाइस अभी फ़िलहाल हम लोग चलते हैं यार समंदर की तरफ, बिल्कुल एंड में चलते हैं हमारे गेम के, ताकि मैं आप लोगों को जो है ना समंदर दिखा पाऊँ भाई क्या अपडेट आया उस समंदर के अंदर, और गाइस क्या उसका एक चीट कोड भी आया और क्या उसमें चीज़ आई है वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे जो ऐसे ही हम समंदर पे आते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि भाई ये जो हमारा सी है इसमें जो है ना पहले बिल्कुल नॉर्मल सा समंदर होता था, बट अब इसमें जो है ना लहरें भी आना शुरू हो गई है, मतलब वेव्स भी आना शुरू हो गई हैं गाइस। ओके गाइस ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पे कितनी अच्छी तरह से गाइस वेव्स भी आ रही हैं, और बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है यार हमारा गेम। ये देखो गाइस ये आ गई वेव्स, ये पूरी वेव्स हमें दिख रही हैं और ये बिल्कुल रियलिस्टिक गेम लग रहा है हमारा गाइस। और गाइस इसके अलावा हमारे गेम के अंदर फाइनली एक बड़ी चीज़ जो कि है बोट आ चुकी है यार। बोट का चीट कोड है 3001 3001। जैसे ही आप लोग डायल करोगे गाइस यहाँ पे तो 3001 से आप लोग को मिल जाएगी एक अच्छी वाली बोट, और यार इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हो गाइस। तो अभी मैं आप लोगों को कलर इसका चेंज करवा के दिखा देता हूँ, वेट गाइस। सो गाइस यहाँ पे जैसे ही हम आएंगे इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, और यार इसमें बैठ के जो है ना इसको राइड करके देखते हैं गाइस। ये देखो ये रही भाई हमारी बोट, और बोट का जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपडेट लग रहा है मुझे, क्योंकि बोट हमारे गेम में अभी तक नहीं थी और बोट आ चुकी है तो हमारा गेम काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लग रहा है गाइस। और यार यहाँ पे देखो हम लोग इसके कैमरा एंगल्स भी चेंज कर सकते हैं गाइस, ये रहे हमारे कैमरा एंगल्स। और गाइस यार अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, और हाँ यार फर्स्ट कमेंट जो भी करेगा उसको शॉर्ट आउट मिलेगा, उसको कमेंट भी पिन करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।